नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस हनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ पॉइजोई फॉर्मूला के बारे में बाय डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम डेराइव करेंगे पॉइजोई फॉर्मूला को। अब जो पॉइजोई फॉर्मूला है वो पहले हमने डेराइव किया था पिछले लेक्चर के अंदर, लेकिन इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे ड्राइव करेंगे वो इसके अंदर देखेंगे। तो पहले हम पॉइजोई जो स्टडी थी वो हम जान लेते हैं। उन्होंने क्या स्टडी किया था, उन्होंने कैपिलरी ट्यूब ली, इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब ली, उसका एक्सिस मान लेते हैं ये है, और उन्होंने देखा कि जब हम इसके अंदर स्टेडी फ्लो लेते हैं, अब आपने इसके अंदर जो फ्लो लेना है लिक्विड का वो स्टेडी लेना है, तो ये जो है कंसिडरेशन याद रखनी है, स्टेडी फ्लो लेना है और अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर लेना है, यानी कि इस एंड पर अगर P1 प्रेशर है इस एंड पर P2 प्रेशर होगा, तो जब लिक्विड फ्लो करेगा तो वो जो है कोएक्सियली जो है फ्लो करता है, इस तरह से फ्लो करता है, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जो हमारी अलोंग द एक्सिस है, जो सबसे सेंटर वाली कोएक्सियली अगर कहें कि अलोंग द एक्सिस जो है सेंट्रल जो हमारी सिलेंड्रिकल लेयर होगी उसकी जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे हम वाल की तरफ जाएंगे वो जो है डिक्रीज होती जाएगी इसकी वेलोसिटी। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है मैक्सिमम सेंटर पे है अलोंग द एक्सिस, और जो आप वाल के थ्रू जाते हैं वाल की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस तरह से उन्होंने ये स्टडी की थी। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला था जो पिछले लेक्चर के अंदर, की जो वॉल्यूम है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो इसी तरह से जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूड है पर सेकंड हम बात करेंगे वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगी। पहली वो डिपेंड करती है हमारी प्रेशर ग्रेडियंट पे, यानी कि पी बाई एल पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ उस पर डिपेंड करती है। दूसरा वो रेडियस पर डिपेंड करती है जिसको आप आर से डिनोट करते हैं। तीसरा वो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है जिसको आप ये सिंबल देते हैं। अब देखिए पी बाई एल, आर और जो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है इन तीनों चीजों पर ये डिपेंड करती है। अब अगर आप इसको एक फॉर्मूले के रूप में लिखें तो वॉल्यूम हमारी क्या आ जाएगी, आप यहाँ पे के ले लीजिए, के है हमारा डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, उसके बाद पी बाई एल जो कि हमारा प्रेशर आपने लिया है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद लेंथ है, प्रेशर ग्रेडियंट जिसको बोल रहे हैं, इसकी पावर ए ले लेते हैं, आर की पावर बी ले लेते हैं, और जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसकी पावर हम सी ले लेते हैं। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये डायमेंशंस हैं, अगर हम देखें ये डायमेंशंस हैं वी के इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम देखें इन द टर्म्स ऑफ पी बाई एल का ए, रेडियस का बी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सी जो पावर है, तो ये डायमेंशंस हैं ऑफ वी के इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट रेडियस और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के टर्म में, तो ये हमने ले लिया। अब हम इसके डायमेंशन जो फॉर्मूला है वो निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होती है हमारी, मीटर क्यूब पर सेकंड, तो वॉल्यूम को हम लिखते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड की बात कर रहे हैं कि कितना फ्लो होगा पर सेकंड, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हमारा क्या होता है एल का क्यूब, आप इसको ले सकते हैं, सेकंड टी लिख सकते हैं, टी ऊपर जाएगा टी माइनस वन, यानी कि ये तो आ गया हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो आप इसको वन लिख दीजिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आया है सिर्फ इसका। उसके बाद के डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, इसके कोई डायमेंशन है ही नहीं, ये कॉन्स्टेंट है डायमेंशन लेस, तो पी बाई एल का निकालते हैं। अब जो पी बाई एल है इसका हमारा क्या आएगा, जो इस तरह से डायमेंशन लेस फॉर्मूला, जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो वो क्या आएगा, अब प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स बाई एरिया होता है, फोर्स हमारा होता है मास इंटू जो एक्सेलरेशन होती है, यही होता है एम ए, और मास को आप एम से, एक्सेलरेशन को आप किससे शो कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को आप शो कर सकते हैं ये एम एल टी माइनस टू, यानी कि इस तरह से जो है मीटर पर सेकंड स्केयर जो है इस तरह से ये आ जाएगा। अब नीचे जो है हमारी ए है यानी कि जो एरिया है वो क्या होता है एल इंटू एल, आप एल स्केयर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा एम एल माइनस वन और टी माइनस टू, यही हमारा बनेगा एम एल माइनस वन और टी माइनस टू, ये बन गया हमारा इसका सिर्फ पी का, तो यहां पर आप P की जगह ये पुट कर दीजिए एम एल माइनस वन और T की माइनस टू, और इस तरह से ही जो है नीचे L है हमारा, L को आप यहां पर लिख दीजिए इस तरह से, अब ये L है ऊपर जाएगा तो माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, यानी कि एम एल माइनस टू और T माइनस टू, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है P बाई एल का, तो P बाई एल का भी आपने निकाल लिया। इसी तरह से जो रेडियस है जो आर है,
आर का क्या आ जाएगा हमारा सीधा डायमेंशन फॉर्मूला एल आ जाएगा, क्योंकि आप उसको एल से ही डिनोट करते हैं, तो इसका आ गया एल, इसको आप थर्ड लिख लीजिए। उसके बाद ये है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका भी फॉर्मूला हम पीछे निकाल चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं जो पीछे हमने निकाला था। इसका होता है जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन होता है। तो ये जो है हमने सारे जो है डायमेंशनल जो फॉर्मूले हैं वो निकाल लेने हैं। ये हमने निकालने के बाद इसी फॉर्म के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर हमें पुट कर देने हैं, यानी कि v की जगह l क्यूब t माइनस वन, k की जगह तो हमारा कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये डायमेंशनलेस है, इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह ये सारे हमें पुट कर देने हैं। तो हमें क्या मिलेगा चलिए वो देख लेते हैं हम। तो जब आप इनको पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, जब आप पूरी इक्वेशन को पुट कर लेंगे तो एक तरफ आपका जो था वॉल्यूम था एल क्यूब टी माइनस वन, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा इक्वल टू आपका जो पी बाय एल है उसकी जगह आपका आ जाएगा एम एल माइनस टू और टी की माइनस टू, ये फॉर्मूला आ गया और इसकी पावर है ए। इसी तरह से जो हमारा आर था उसकी जगह एल आ गया, इसकी पावर आ गई बी। उसके बाद जो है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी थी जिसका फॉर्मूला था एम एल माइनस वन टी माइनस वन और इसकी पावर आ गई सी, इस तरह से आ गई। अब जो है आप इसको m की फॉर्म में लिख सकते हैं यानी इनके साथ m भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ m जीरो आ जाएगा तो m भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो हमें जो है अलग अलग से जो है जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है डायमेंशन का वो अप्लाई करना है, यानी कि अगर हम पावर ऑफ m को देखें दोनों तरफ, यहाँ पे m की पावर जीरो आपको माननी है, तो अगर आप पावर ऑफ m को देखें तो दोनों तरफ पावर ऑफ m आपको देखनी है। तो इस तरफ क्या है, इस तरफ जीरो है, इस तरफ m की पावर a आ जाएगी और यहाँ पे m की पावर c आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी पावर ऑफ m अगर हम देखते हैं a प्लस c इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस तरफ जीरो है, यहाँ a और यहाँ पे c है, तो a प्लस c हमारे पास जो है इक्वल टू जीरो आ जाएगी। जब आप इसको ओपन करेंगे यानी कि अगर आप इसको ओपन करते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ये क्या आ जाएगी m की पावर a और ये जो है l की पावर माइनस टू ए, टी की पावर माइनस टू ए, ये आ गई। अब यहाँ पे l की पावर आ गई हमारे पास b और इसी तरह से यहाँ पर जो इसकी यहाँ पर c को ले लेते हैं m की पावर c, l की पावर माइनस c और t की पावर भी क्या आ गई माइनस c आ गई। तो इस तरह से आ जाएगी आपके पास। इस तरह से करने के बाद देखिए जो m है m की पावर a है और m की पावर c है, तो a प्लस c हमने यहाँ पे लिखा जीरो। तो इस तरह से आपको जो है इक्वेट करना है, यानी कि जो a की पावर है वो किसके बराबर आ जाएगी माइनस c के बराबर आ जाएगी यहाँ से। तो आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से ये तो हमने m की पावर देखी, अब हम l की पावर को देख लेते हैं। जो l की पावर है हमारे पास वो क्या है माइनस टू ए है और प्लस बी है और माइनस सी है, यही है। और इस तरफ एल की पावर कितनी है थ्री है, तो यानी कि यहां पर अगर आप इसको लिखें तो ये क्या आ जाएगी माइनस टू ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू थ्री आ जाएगी। आपने एल की पावर को दोनों तरफ इक्वेट कर लिया, ये आ गई आपके पास। अब यहाँ पे जो ए है आपके पास ये माइनस सी के बराबर है, तो यहाँ पर आप इसको पुट कर दें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी टू, यहाँ पे आप सी लिख दें इसको और ये प्लस बी आ गया इक्वल टू थ्री। इसको फिर फर्दर आप सॉल्व करें टू सी माइनस सी क्या आ गया सी आ गया, तो ये सी प्लस बी जो है इक्वल टू थ्री आ गया। तो इस तरह से आपने एल की पावर को इक्वेट कर लिया। अब टी की पावर को इक्वेट करते हैं, दोनों तरफ टी की पावर को इक्वेट करते हैं, तो ये आपके जो टी की पावर है माइनस टू ए है और यहाँ पे माइनस सी है, तो यहाँ पे ये क्या जाएगी माइनस टू ए माइनस सी और इस तरफ टी की पावर कितनी है यहाँ माइनस वन है, तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस वन। इसी तरह से ए की जगह आपको ये पुट कर देना है माइनस सी, तो यहाँ पर भी आप माइनस सी पुट कर दें तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा टू सी माइनस सी इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। अब यहाँ से जो है टू सी में से एक सी को अगर आप घटाएंगे तो सी की पावर क्या आ गई यहाँ पे माइनस वन आ गई। अब ये सी की पावर माइनस वन को आप यहाँ पर पुट कर दें जिससे कि ए की पावर जो है आपके पास क्या आ जाएगी वन आ जाएगी। तो इस तरह से आएगी सी की पावर को माइनस वन पुट करेंगे माइनस पहले ये यहाँ, तो ए की पावर हमारे पास वन यहाँ पे आ जाएगी। अब इसी तरह से आपके पास ए की पावर है और सी की पावर है, तो इस तरह से यहाँ से अगर आप बी की पावर निकालेंगे तो सी की पावर माइनस वन है तो बी की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस वन जो है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, बी की पावर आ जाएगी आपके पास फोर। तो ए की पावर आ गई, बी की पावर फोर आ गई, सी की पावर माइनस वन आ गई। इस तरह से आपने इसको निकाल लिया। अब उसी फॉर्मूले के अंदर आप जो है इन फॉर्मूले को इन्हीं पावर्स को पुट कर देंगे, जैसे कि p बाई एल की पावर क्या थी a थी, a की जगह वन आ जाएगा तो यहाँ पे वन आप लिख दीजिए। उसके बाद जो था आपके पास रेडियस था, रेडियस की पावर b थी, b की पावर आ गई फोर आ गई।
उसके बाद कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी थी, इसकी पावर क्या आ गई, -1 आ गई। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा के पी आर की 4 और बाई के अंदर आ जाएगा हमारा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी एल, ये क्योंकि ये -1 है। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा वी का जो वॉल्यूम ऑफ जो फ्लूड है फ्लोइंग पर सेकेंड, ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ के है अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंटली उसको कैलकुलेट किया गया है और उसकी वैल्यू होती है, के की वैल्यू जो होती है वो होती है पाई बाय 8 वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हम आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, पाई बाय 8 पी आर 4 डिवाइड बाय एफिशिएंसी एल। यही फॉर्मूला हमने पिछले जो लेक्चर के अंदर निकाला था, जो पोइजोई फॉर्मूला था यही निकाला था। अब यहां पर जो है आप इसको एक और तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको आप जो है इस पूरे फॉर्मूले को P by R भी लिख सकते हैं। अब इसको P by R हमने क्यों लिखा, जो R है यानी कि जो R है अगर इसकी वैल्यू को आप ये लिख दे 8 जो हमारे कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी L और यहाँ पे लिख दे आप पाई आर 4 ये लिख दे, यानी कि ये जो चीज है और पाई आर 4 ये और पाई आर 4 इसको आपने पूरे को R लिख दिया तो यहाँ पे P बाय जो है R आ जाएगा इस तरह से, यानी कि ये 1 बाय R जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये पाई R 4 8 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल और L है तो P बाय R आप इसको लिख सकते हैं और ये R के बराबर आ जाएगा, यानी कि P बाय R भी आप इसको लिख सकते हैं। R यहाँ पे क्या है, लिक्विड रेजिस्टेंस, यानी कि जो लिक्विड को रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा, जो लिक्विड रेजिस्टेंस इसको हम बोलेंगे R को। अब अगर आप टू कैपिलरी ट्यूब्स को अगर इसी तरह से हम देखें, अगर आप टू कैपिलरी ट्यूब्स को मान लीजिए आप सीरीज के अंदर लगा दें, आपने दो कैपिलरी ट्यूब ली इस तरह से, एक कैपिलरी ट्यूब ये ली और एक कैपिलरी ट्यूब आपने ये ली और सीरीज में लगा रखी है इस तरह से, फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है, तो आपकी आर की वैल्यू जो लिक्विड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी आर की वैल्यू आर वन प्लस आर टू हो जाएगी। यानी कि जो आर वन है यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एट जो एफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जो, और L1 डिवाइड बाय आ जाएगा पाई R1 की 4 प्लस R2 की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इस तरह से पाई R2 की 4, तो यानी कि ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये तो हमारा सीरीज के अंदर है, अगर पैरेलल में आप इनको लगा दें जैसे ये फ्लो है और इस तरह से आपने पैरेलल में लगा दिया फर्स्ट को ये सेकंड ये जो कैपिलरी ट्यूब है, तो पैरेलल के अंदर आपका ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल जैसे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 हो जाएगा। तो यहां पर हम R1 R2 की वैल्यू पुट कर देंगे और इससे जो है पैरेलल के लिए वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो लिक्विड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को आप सीरीज पैरेलल किसी में भी निकाल सकते हैं और ये उसका फॉर्मूला होता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।